नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर जितने भी नफरती पेड़ उगाने की कोशिश की, सभी को पीएम मोदी ने एक झटके में उखाड़ फेंका है। पीएम मोदी ने अमेरिका दौरे के दौरान ऐसे ऐसे मुद्दों को उठाया, भारत की ताकत को दिखाया और ऐसे ऐसे राजनेताओं से हाथ मिलाया, कांग्रेसी भी देखते रह गए। क्योंकि राहुल अमेरिका दौरे पर भारत को बदनाम करने, मोदी सरकार पर सवाल उठाने का काम करने पहुंचे थे और मोदी भारत को आगे बढ़ाने, देश की उन्नति के लिए तमाम समझौते पर हस्ताक्षर करने पहुंचे थे, जिससे राहुल गांधी की सारी काली रणनीति पर एक झटके में पानी फिर गया। सबसे खास बात तो यह है कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर टेक जगत तक से संकेत मिला है कि भारत भरोसेमंद साझेदार है। इस बात की झलक पीएम मोदी की दुनिया की बड़ी कंपनियों के साथ बैठक में भी देखने को मिली। दरअसल पीएम मोदी 60 घंटों की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के बाद दिल्ली लौट चुके हैं। पीएम मोदी के दौरे से जहां एक और भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों की सदस्य वाले क्वाड समूह का अहम खिलाड़ी की तरह स्थापित किया गया, यानी कि पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ये अमेरिका यात्रा विदेश नीति के लिहाज से मील का पत्थर साबित होगी। तो चलिए ये भी बताते हैं कि पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा से भारत को क्या मिला। तकनीक के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहे भारत को अमेरिका दौरे से कई फायदे होने की संभावनाएं हैं। तकनीक के लिहाज से भारत और अमेरिका के बीच सेमीकंडक्टर पर आपसी सहयोग जारी है। भारत भी अब अपनी पहली सिक्योरिटी फैब हासिल करने की स्थिति में है। ड्रोन खरीदने और साथ मिलकर बनाने की कोशिशें, जैसे रक्षा साझेदारी, एक अलग समझौते की मदद से चीन के बाहर एक अलग एनर्जी चेन बनाने के प्रयास भी शामिल हैं। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी के सेफ और रिस्पॉन्सिबल यूज के लिए बैलेंस रेगुलेशन की आवश्यकता है। हमें ऐसी ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस चाहिए जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रहे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी ए ब्रिज, नॉट अ बैरियर। ग्लोबल गुड के लिए भारत अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विश्व से साझा करने के लिए तैयार है। वहीं पीएम मोदी ने द्विपक्षीय बैठकों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की विदेश नीति की झलक दुनिया को दिखाई। अमेरिका यात्रा के पहले दिन पीएम मोदी ने जो बाइडेन की तरफ से आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें जापान के प्रधानमंत्री फुमिया किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के पीएम शामिल रहे। दोनों के साथ द्विपक्षीय बैठकें हुई। भारत के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार सेवा का अवसर दिया है और आज मैं इसी 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी की आवाज आप तक पहुंचाने यहां आया हूं। फ्रेंड्स, जब हम ग्लोबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए हमें मानव कल्याण, फूड, हेल्थ सिक्योरिटी ये भी सुनिश्चित करनी होगी। भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने यह दिखाया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी सक्सेसफुल। सक्सेस का हमारा यह अनुभव हम ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी लाइज इन अवर कलेक्टिव स्ट्रेंथ, नॉट इन द बैटलफील्ड। अब समझिए, राहुल गांधी जब विदेशी दौरे पर पहुंचे तो भारत की रोजगार, भारत के अर्थव्यवस्था, कामकाज को लेकर सवाल उठा रहे थे, आरक्षण को लेकर भी झूठ फैला रहे थे। वजह साफ थी, किसी तरह विदेशी मंच पर बैठकर मोदी सरकार, आरएसएस को बदनाम किया जाए ताकि मोदी की कुर्सी को राहुल गांधी विदेशी साजिश से हिला सके।
लेकिन राहुल गांधी की साजिश पर पीएम मोदी ने अमेरिका पहुंचकर तुरंत ही पानी फेर दिया। राहुल गांधी पर जवाबी कार्रवाई अपने कामकाज से की। भारत और विदेशी देशों से आपसी संबंध मजबूत कर पीएम मोदी ने राहुल गांधी को दोबारा विदेश जाने और माहौल बनाने लायक नहीं छोड़ा है। यही वजह है कि पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर राहुल गांधी की टेंशन दोगुनी हो गई है। फिलहाल जिस तरीके से पीएम मोदी अब एक्शन मोड में अमेरिका में देखने को मिले, उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।